हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संतोष स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भुआ भतीजा जोड़ी में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम आए थे बीकानेर और हमने भैरू जी गली में थोड़ी शॉपिंग की। जब यहां से हम निकले भैरू जी गली से तुलसी सर्किल की तरफ पैदल ही, तो यहां देखा कुछ इस तरह का दृश्य था कि कचरा बिखरा पड़ा था और बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी थी, ट्रैफिक जाम कर रखा था। लेकिन यहाँ से थोड़े आगे जब हम निकले तो एक सुकून देने वाला दृश्य देखा। एक युवावस्था की महिला जो अग्रसेन सर्किल के बिल्कुल सामने रोड पर ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनको बेच रही थी। इस महिला से जब हमने बात की तो पता चला कि यद्यपि इन बर्तनों को बेचकर इन्हें ज़्यादा कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता है, लेकिन मैं इसकी सोच को सलाम करती हूँ। इसने कहा कि मैं जितना भी कर पाती हूँ कम से कम अपने पति का सहयोग कर सकती हूँ। ये कह रही थी कि यदि मैं 100 रुपये भी कमा पाई पूरे दिन में मेहनत करके धूप में बैठ के तो भी अच्छा है, क्योंकि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों का संयुक्त परिवार है, उन सब में ये अपना कुछ सहयोग देना चाहती है और इसे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। देखिए कितनी शालीन थी ये, इसने घूंघट लगा रखा था। मैंने जब इससे पूछा कि यहाँ आप गंगा शहर के हैं, यहाँ आपको कौन जानता है, क्यों घूंघट लगा रखा है, तो इन्होंने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया कि यह हमारी भारतीय महिला की शालीनता की निशानी है। मैं आत्मनिर्भर जरूर बनना चाहती हूँ, अपने परिवार की मदद जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन जो हमें संस्कार दिए गए हैं उनसे विरुद्ध नहीं जाना चाहती। इनके पास सभी तरह के बर्तन थे, मिट्टी के बड़े मटके थे, छोटे मटके थे। और जब इनसे बात की तो इन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया कि इनका एक बच्चा ये अपने साथ लाती है, जो है खोखा बना हुआ था। देखो छोटी सी दुकान काट की, यहाँ ये बच्चा धूप में लेटा हुआ था, क्योंकि बच्चों की देख रेख भी एक माँ की जिम्मेदारी होती है और इस महिला ने उस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी मुँह नहीं मोड़ा था। ये अपने बर्तन बेचने का काम कर रही थी, साथ साथ उस बच्चे की देखभाल भी कर रही थी, उसे यहाँ लेटा रखा था, सुला रखा था। दोबारा मुझे इच्छा होती है इस महिला को सलाम करने की कि ये अनपढ़ है, बातें की तो पता चला अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी अपने परिवार के लिए ये कुछ करना चाहती है, परिवार की मदद करना चाहती है और स्वावलंबी है और आत्म अभिमानी भी है ना। किसी के सामने रोना, गिड़गिड़ाना ये इसे पसंद नहीं है। ये देखो इसने बताया कि इसने इन बर्तनों पर ये रंग किया है, पहले सफ़ेद रंग और बाद में ये लाल रंग किया जाता है इन बर्तनों पर। इसने बताया कि ये अपने घर में जो कुम्हारी का काम होता है उसमें ये मिट्टी कूटती है, उसको छानती है, आटे की तरह उसको सानती है और मिट्टी को पूरी तरह से तैयार करने की जिम्मेदारी इसी की है। ये अपने परिवार के लिए, जो परिवार के अन्य सदस्य मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके लिए ये मिट्टी तैयार करके देती है। और उसके बाद जब ये समय बसता है, यानी ये सुबह शाम का समय है मिट्टी तैयार करना, और दिन में ये यहाँ आकर इन बर्तनों को बेचती है। मैंने सोचा कुछ यहाँ से लें, लेकिन क्या लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि ये जो मेल उतारने का एक छोटा सा दिखाया जो अभी आपको, वो था लेने के लिए। बातें जब इससे की तो इसको भी बहुत अच्छा लगा और इसने कहा कि मैडम आपके लिए मैं कुछ और दिखाती हूँ जो इनसे थोड़ा हटके है, शायद वो आपके कुछ काम आ जाए। तो मैंने सोचा चलो देखा जाए, उत्सुक थी ये, मतलब इसे अच्छा लग रहा था कि मैं इसके साथ बात कर रही थी और इसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रही थी, तो इसमें आत्मविश्वास बढ़ रहा था। इसने मुझे दिखाए जो मुखौटे होते हैं, तो उन मुखौटों के बारे में बताया कि ये मुखौटे यद्यपि ये नहीं बनाते हैं, ये गंगानगर से बनकर आते हैं, लेकिन ये इनको अपने साथ रखती है बेचने के लिए। देखिए ये भी बहुत सुंदर थे, इनको खोल कर दिखाया इसने, लेकिन वास्तव में जज्बा होना चाहिए इंसान में, मेहनत होनी चाहिए। ये अपनी मेहनत के बल पर कमाना चाहती है, परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। भारत में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं मेरे आसपास, आपके आसपास, गांव में, जो कुछ करती है अपने। ये देखो बीच में इसका बच्चा उठ गया, इसका ध्यान वहाँ भी था और अपने काम पर भी था, यानी दोनों जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही थी। फिर इसने ये जो छोटी डिज़ाइन के मेल उतारने के जो होते हैं वो दिखाए हमें, बहुत सुंदर थे ये भी, बड़ी बारीकी से निकासी की थी। फिर सोनू ने बताया कि मैम ये और भी सुंदर है तो हमें ये भी लेना चाहिए, तो मैंने और सोनू ने दोनों लिए, फिर अच्छे लगे क्योंकि इनके ऊपर जो नक्काशी से की गई थी, डिज़ाइन से बनाई हुई थी, वो बहुत सुंदर थी। ये सस्ता था 10 रुपये का, वो 20 रुपये का था, लेकिन वो
सुंदर था रखने में, देखने में अच्छा लग रहा था। वो और भी सामान था इसके पास, तो उन सबको मैंने देखा और अच्छा लगा। कुछ ख़रीदा भी मैंने जो मेरी ज़रूरत का था, वो जो ज़रूरत का कुछ नहीं था वो भी मैंने इसे ख़रीदा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। ये जो बड़े बड़े गुल्लक थे पैसे डालने वाले बच्चों के, ये देख सकते हैं आप, पीछे रोड जा रही है, चारों तरफ धूप है, कहीं छांव नहीं है इस महिला के पास पास, लेकिन फिर भी इस महिला ने इस जगह को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। यहाँ ये सुबह शाम अपने घर में काम करती है, घर की जिम्मेदारियाँ निभाती है, पति की मदद करती है। तो दोस्तों, मैं ये मिट्टी का कलश लेके आई थी। आगे भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने वीडियो में अपने आसपास की ऐसी महिलाओं को आपके सामने लाऊं, आपको रूबरू कराऊं, जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने परिवार की मदद करती है और एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करती है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने अनपढ़ होते हुए भी अपने पति के कार्य में सहयोग करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें यह बताने का पूरा प्रयास करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि आने वाले वीडियो में हम उनको सुधार सकें। धन्यवाद।